In this video, we will find some trigonometric functions on a specified angles. You are seeing 18 degree, 36 degree. That is 18 or multiple of 18. Consider if we know the value of any trigonometric ratio at 18 degree and at 36 degree, तो देन अब जो 36 के बाद 18 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 54. तो 54 क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है 36 का. 54 प्लस 36 करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा ना. तो अगर हम 18 और 36 पर सारे का वैल्यू समझ लें तो 18 का जो नेक्स्ट मल्टीपल बचता है अप टू 90, 18, 36, 54, 72. तो 72 पर वैल्यू हम 18 के हेल्प से निकाल लेंगे, 54 पर वैल्यू 36 के हेल्प से निकाल लेंगे. तो बेसिक बात है कि हमें 18 और 36 डिग्री पर अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल लें तो 18 का रिमेनिंग जो मल्टीपल है वो सारे का वैल्यू निकाल सकते हैं. और उधर जो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि अगर 18 डिग्री का वैल्यू हमें पता है तो 18 का सब मल्टीपल इसका हाफ करेंगे. तो समझ सकते हैं कोसाइन फॉर्मूला का यूज करके कॉस 18 डिग्री के हेल्प से कॉस 9 निकाल सकते हैं, साइन 9 निकाल सकते हैं, कॉस 9 साइन 9 कोई एक निकल गया तो बाकी सारा रेशियो निकाल सकते हैं. फिर 9 के हेल्प से 9 का हाफ 4.5 यानी 4.5, तो 4.5 डिग्री पर भी सारे का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो अभी हम 80 डिग्री पर पहले देखते हैं. मान लीजिए हम साइन 80 डिग्री का वैल्यू समझना चाहते हैं. साइन 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो समझ सकते हैं 80 डिग्री के आसपास हम मल्टीपल सब मल्टीपल कुछ ऐसा एंगल देखेंगे जिसका वैल्यू हमें सीधा सीधा पता होता है. जैसे पिछले वीडियो से हम देखते आ रहे हैं कि अगर हमें 7.5 डिग्री चाहिए तो हम समझते हैं 7.5 का एक मल्टीपल 15 है, जहां पर जाकर हमारा दिमाग रुकता है कि 50 डिग्री का वैल्यू हमें पता है. तो वैसे 18 का सम मल्टीपल करेंगे तो कोई वैल्यू तो पता नहीं है. 18 का मल्टीपल करेंगे तो करते जाएंगे 36, 54, 72, ये सब में से किसी का वैल्यू हमें नहीं पता है. 18 का 5 टाइम्स करेंगे तो 90 डिग्री वो हमें पता है. तो 18 डिग्री को अगर हम कुछ मान लें, मान लीजिए a इक्वल्स 18 डिग्री, तो देयरफॉर हम क्या पा रहे हैं कि इसका फर्स्ट टाइम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें एक सीधा सीधा एंगल मिलता है. हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, ए को हमने 80 डिग्री कहा है, जबकि 5 a 90 डिग्री है. आप समझ सकते हैं दोनों तरफ सिंपली अगर साइन लें हम तो साइन 5 a का डायरेक्ट फॉर्मूला कोई a के टर्म में तो नहीं है. तो इस 5 a को हम ब्रेक करते हैं टू स्टेप में, मतलब टू पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं. 2a प्लस 3a इक्वल्स 90 डिग्री, और इसमें एक को इधर छोड़ दें बिकॉज हमें 3a और 2a ये दोनों पर सारा फॉर्मूला पता है, साइन कॉस टेन किसी का भी. तो 3a का भी डायरेक्ट एक फॉर्म है, 2a का भी डायरेक्ट एक फॉर्म है. तो a को हम इधर रखते हैं और 3a को इधर कर लेते हैं एंड दोनों तरफ हम साइन लेते हैं. 2a इक्वल्स अगर इतना है तो दोनों तरफ साइन लेंगे तो साइन ऑफ 2a विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3a, और साइन 2a इक्वल्स इसे क्या कहेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब कॉस 3a. हमें रिजल्ट चाहिए क्या इन टर्म्स ऑफ a, तो इसमें फिर हम साइन 2a को एंगल a में ब्रेक करेंगे. 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब a क्यूब a माइनस 3 कॉस a. आप समझ सकते हैं यहां कॉस से कॉमन लेंगे कि कॉस a से कैंसिल हो जाएगा तो इधर 2 साइन a रह जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 3. ध्यान देंगे हमने कॉस a कॉमन लेकर दोनों साइड फैक्टर कॉस a को कैंसिल किया है. हमें पता है कि कॉस a जीरो नहीं है, क्यों, a का वैल्यू 18 डिग्री है और कॉस 18 जीरो नहीं हो सकता है. अदरवाइज दो फैक्टर को हम कैंसिल करते हैं तो उसमें लॉस ऑफ रूट हो सकता है, यानी कॉस a अगर जीरो हो सकता है तो वो सिचुएशन इसमें तो नहीं आ पाएगा क्योंकि इसको हमने कैंसिल कर दिया. तो दो इक्वेशन में दोनों तरफ कोई फैक्टर कैंसिल करते हैं तो ये तभी कर सकते हैं जब हम ये कंफर्म, ये पता हमें है कि दैट फैक्टर इज नॉट जीरो. तो यहां पर यही बात मैं कह रहा हूं, 80 डिग्री है देयरफॉर कॉस 80 जीरो नहीं होगा, कॉस ए कॉस ए को कैंसिल कर दिया हमने, और हमें साइन ए चाहिए देयरफॉर
अब हम इसको साइन में क्वाड्रेटिक ऐसा अरेंज कर लें, टू साइन ए, चूंकि ये कॉस स्क्वायर है हमें साइन चाहिए, इसे भी साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 - 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3। इस तरह से साइन में क्वाड्रेटिक है ये, तो अरेंज करके लिख देते हैं इसको, इसको इधर हम ला रहे हैं, 4 sin² + 2 sin a यहां पर है, और 4 - 3 1 1 को इधर लाएंगे तो -1 = 0। ये साइन ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व कर सकते हैं साइन ए के लिए। तो सिंपल फॉर्मूला हम लगाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, साइन ए विल बी क्या, -b के जगह पर यहां 2 है मतलब -2 + -√b² मतलब 4 - 4ac मतलब -16 × -1 कितना हो गया, +16 by 2 × 4 मतलब 8। आप समझ सकते हैं ये -2 + -√4 + 16 21 है ये, तो इससे 4 अगर कॉमन ले बाहर तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा क्या 2 बनकर, तो ये -2 + -√5 by 2 × 4। फर्दर हम 2 दोनों से कॉमन ले लेंगे, इस 2 से कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1 + -√5 by 4। एक मतलब ये कैलकुलेशन है, आप देख लेंगे जब भी है वैसे भी है। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से साइन ए का वैल्यू ये आया, साइन ए मीन्स साइन 18 डिग्री। अब सवाल है कि यहां पर अगर नेगेटिव साइन हम लेंगे, ये भी देखना पड़ेगा ना साइन 18 का वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर आप माइनस साइन लेंगे तो -1 - √5 by 4 ये निगेटिव हो रहा है ना, जबकि साइन 18 निगेटिव होगा क्या, जाहिर नहीं होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव, देयरफॉर साइन भी पॉजिटिव होगा। तो एच साइन ए ग्रेटर देन 0, देयरफॉर यहां से साइन ए के वैल्यू को क्या एक्सेप्ट करेंगे, √5 प्लस साइन के साथ लेंगे √5 - 1 by 4 एंड देयरफॉर साइन 18 डिग्री क्या हो गया √5 - 1 by 4। सही है, तो इस तरह से साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या हम लोग फाइंड किए, √5 - 1 by 4। सही है, ये क्लियर है ना। अब कॉस 18 डिग्री अगर निकालें तो कॉस 18 को भी डायरेक्ट हम ऐसे ही प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं अगर साइन 18 हम निकाल चुके हैं डिग्री, साइन 18 डिग्री, तो कॉस 18 डिग्री हम इसी के हेल्प से निकाल सकते हैं। कॉस 18 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल है, तो कॉस 18 डिग्री को लिख सकते हैं हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी √1 - sin² 18 डिग्री। तो हम इसी का यूज करके कॉस 18 फाइंड कर लेते हैं, कॉस 18 डिग्री इक्वल्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin² 18 डिग्री, दिस इक्वल्स 1 - sin 18 डिग्री का वैल्यू भी हम लोग निकाले हैं, √5 - 1 by 4 स्क्वायर मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट। समझ सकते हैं ये नीचे 16 होगा, यहां पर 16 हो जाएगा, माइनस ये √5 - 1 का होल स्क्वायर होगा, √5 - 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 + 1 = 6 - 2√5 बाहर माइनस और √5 - 1 का होल स्क्वायर ये हो गया। अब दिस इक्वल्स √16, नीचे तो 4 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑपरेट करेंगे तो, और ऊपर क्या हो जाएगा तो √16 - 6 कितना हो गया 10 ना, और ये माइनस प्लस मतलब प्लस 2√5, और इस तरह से cos 18 डिग्री क्या हो गया √10 + 2√5 by 4। ये वैल्यू थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा है ना, याद रखने में बहुत कन्वीनियंट नहीं है, तो बस ये समझे कि 18 और 36 का वैल्यू निकाला जा सकता है ना, और इस तरह से है, तो ये cos 18 डिग्री हो गया। सही है, अब साइन 18 डिग्री हमें पता है, कॉस 18 डिग्री हमें पता है, तो साइन 36 भी निकाला जा सकता है। साइन 36 को क्या करेंगे,
इसको फॉर्मूला पढ़ेंगे, 2 साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री, साइन 18 कॉस 18 दोनों पता है, वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आएगा वो वैल्यू हो जाएगा। मतलब हम कुछ नई बात नहीं करेंगे, जस्ट पीछे जो हम लोग पढ़े हैं मल्टीपल सम मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला उसका यूज करेंगे, और बेसिकली साइन 18 और कॉस 18 ये दो दो कम से कम याद रखे हैं, सो दैट कि अगर कहीं सिचुएशन आता है तो हम इसके हेल्प से फाइंड कर लेंगे 36 का, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग साइन 36 पहले कर लेते हैं। साइन 36 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री, दिस इक्वल्स 2 इंटू साइन 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1 बाई 4, और कॉस 18 डिग्री अभी आप देखे हैं 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4, नीचे 8 हो गया, सही है ना, ये 4 16 और 2 सेकंड्स लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस 1 इंटू 10 प्लस 2 रूट 5, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, है ना, समझ सकते हैं इसका वैल्यू निकल गया। लेकिन थोड़ा सा इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, आप देख रहे हैं ये तो कुछ और ज्यादा टेढ़ा लग रहा है, इस तरह से इसको दिमाग में अगर रखना चाहें तो थोड़ा सा ज्यादा जटिल है, तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे 8 और ऊपर इस रूट 5 माइनस 1 को अगर अंदर कर लें तो 10 प्लस 2 रूट 5 है, रूट 5 माइनस 1 पॉजिटिव है, रूट 5 ग्रेटर है 1 से, तो कोई पॉजिटिव नंबर को अगर हम रूट के अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट के अंदर करना पड़ेगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि जैसे 5 है रूट के साथ यहां पर 2 है, या सीधा सीधा लीजिए ना 9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू 9, लेकिन माइनस 2 रूट 9 है तो इसे हम अंडर रूट क्या कहते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 9 नहीं कर सकते, क्यों, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस लगा पर माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं ये क्या है, प्लस है, तो सीधा इसका स्क्वायर बना के अंदर कर लिए, बाहर माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब दिस इक्वल्स अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 इंटू इसका स्क्वायर ऑपरेट करेंगे तो जस्ट ये 6 माइनस 2 रूट 5 हो जाएगा बाई 8, और इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देख रहे हैं जो रैशनल टर्म इसमें आएगा वो 10 इंटू 6 60, और एक इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20, 60 माइनस 20 कितना 40, और इरेशनल टर्म आएगा देखेंगे 12 टाइम्स रूट 5 और माइनस 20 टाइम्स, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई करें माइनस 20 टाइम्स माइनस 12 टाइम्स, माइनस 20 प्लस 12 कितना हो गया माइनस 8, ना माइनस 8 रूट 5 बाई 8, समझ सकते हैं इस स्क्वायर रूट के अंदर दोनों टर्म में जो 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 अगर बाहर कर ले तो रूट से बाहर 4 निकलेगा 2 बन के, और 2 से 8 कैंसिल होगा नीचे 4 रह जाएगा, और यहां 4 निकलेगा तो 10 माइनस 2 रूट 5, यानी इसे अगले स्टेप में लिखा जा सकता था क्या, तो 2 अंडर रूट 10, समझ रहे ना, 4 बाहर निकला तो स्क्वायर रूट के अंदर 4 कॉमन लेंगे ना, इससे बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट से 2 बन के, तो 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 8, ये से कैंसिल हो गया और ये आया 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4। मैं क्या कह रहा था कि ये वैल्यू हमारा निकल गया, बट अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, अब समझ सकते हैं कि ये रिजल्ट याद रखना, और जो सिंप्लीफाई करके लाए ये रिजल्ट थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो इस तरह से साइन ऑफ 36 डिग्री को कैसे दिमाग में रखेंगे, तो अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4, आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ बीच में माइनस हो गया है ना, इस तरह से कॉस 18 का जो वैल्यू है ना उसी में बीच में माइनस हो गया है, फिर कॉस 36 डिग्री, समझ सकते हैं यही जब कॉस 36 होगा तो डायरेक्ट हम कॉस 18 या साइन 18 ये दोनों में से किसी का यूज करके, चूंकि कॉस 36 को हम 6
सिंगल टर्म साइन 18 के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉर्मूला से, और कॉस 18 के टर्म में भी, कोई सा काम कर लेते हैं, कॉस 36 डिग्री, चलिए हम साइन का ही यूज कर लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 36 का हाफ 18 डिग्री, और इस तरह से ये कितना हो जाएगा, तो 1 - 2 इंटू साइन 18, अभी अभी देखे हैं √-1/4 का स्क्वायर, ये कॉस 36 डिग्री का भेजिए, अब दिस इक्वल्स 1 - आप समझ सकते हैं ये 2 इंटू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5-1 का स्क्वायर, अगेन 6 - 2√5/4 का स्क्वायर 16, ये कैंसिल होकर क्या हो गया 8 रहेगा यहां पर, तो नीचे 8 यहां पर 8 आएगा और -6 + 2√5, इस माइनस को ऑपरेट करते 2 तो कैंसिल हो चुका था, 8 हुआ, और इस तरह से दिस इक्वल समझ सकते हैं 8 - 6 कितना हो जाएगा 2 + 2√5/4, क्लियर है ना, 8 - 6 2 और ये 2√5, अब 2 इसमें कॉमन लेंगे, इससे कैंसिल कर देंगे, यहां 1 रहेगा आप +√5 रहेगा, और इस तरह से 1 + √5/4, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, तो √5 + 1/4, ये 4 को आप अच्छे तरीके से दिमाग में रखें, बाकी रहेगा cos 54 क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं cos 54 equals 54 + 36 90 होता है, तो cos 54 वही होगा जो sin 36 होगा, cos 72 वही होगा जो sin 18 डिग्री होगा, sin 54 वही होगा जो cos 36 होगा, है ना, तो 18 का जो बाकी मल्टीपल है इसके वैल्यू को हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं, अब sin 9 डिग्री क्या होगा, तो cos 18 से प्रोसीड कर सकते हैं, cos 18 will be 1 - 2 sin² 9 degree, therefore वहां से sin स्क्वायर 9 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, फिर sin 9 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, cos 18 का तो हमें पता ही है, जाहिर है sin 9 का वैल्यू बहुत टेढ़ा मढ़ाएगा, देख रहे हैं cos 18 का वैल्यू पुट करेंगे ऐसा, बट आप थ्योरेटिकली समझें वो जो भी है, बट 18 का अगर हमें पता है तो इसका हाफ 9, उसका हाफ 4.5, उसका भी हाफ 4.5 का हाफ 4.5 का हाफ का हाफ, वो जहां तक जाए वो सारे का वैल्यू निकल सकता है, ठीक है, तो इस तरह से अगर हम 36 के बाद आगे बढ़े समझने के बाद को, साइन 54 डिग्री ये क्लियर है ना कि दिस विल बी इक्वल टू कॉस 36 डिग्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों को जोड़ेंगे 90 डिग्री आएगा, फिर इसी तरह से साइन ऑफ, पहले साइन का ही अगर पूरा कर ले 72 डिग्री, दिस विल बी कॉस 18 डिग्री, अब साइन 90 लिखने का काम नहीं पहले से पता है, सिमिलरली अगर हम कॉस 54 डिग्री की बात करें तो ये साइन 36 डिग्री होगा, और कॉस 72 डिग्री की बात करें तो दिस विल बी साइन ऑफ क्या 18 डिग्री, ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं, थोड़ा एप्लीकेशन इसका, दो सिंपल पहले क्वेश्चन लिया है प्रूव करने का, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री इक्वल्स √5 - 1/8, और समझ सकते हैं लगभग इसी लेवल का क्वेश्चन ये भी है, जस्ट इसमें हम क्या करें तो रेडियन में ये है ना, फर्क इसमें रेडियन में वो डिग्री में है, तो जनरली होता क्या है 18, 36, 54, इसमें 18 के मल्टीपल में समझना थोड़ा ज्यादा दिमाग को एक्सेप्टेबल होता है, रेडियन जरा इसका थोड़ा सा मतलब उतना अपीलिंग नहीं होता दिमाग को, तो 18 को अगर रेडियन में कहेंगे समझ सकते हैं कि π/10 हो जाएगा, 36 क्या होगा π/10 का 2 × π/5, सही है ना, और 54 क्या होगा तो 3π/10 हो जाएगा, तो डायरेक्ट वैसे भी हम समझ सकते हैं, और अगर डिग्री में ज्यादा समझता है दिमाग तो क्वेश्चन को पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे फिर सोचेगा दिमाग हमारा, है ना, एनीवे तो इसमें 1 को पहले देखते हैं, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, समझ सकते हैं एट ए ग्लांस हम देखेंगे तो इसके आसपास कोई भी, जैसे इसको अगर हम कॉस में तोड़ें तो 24 को 48 कर सकते हैं, बट 48 का वैल्यू तो हमें नहीं पता, ये 12 कर सकते हैं तोड़ के, है ना, बट 12 का वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये चीज तो नहीं चलेगा,
अब यहां पर हम इसको सिंपल सोचें, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एक आइडेंटिटी है, वो पढ़े थे कंपाउंड एंगल में, तो इसे हम कह सकते साइन 24 डिग्री माइनस 6 डिग्री। ये समझिए कि 24 में 6 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 18 आएगा ना, और 18 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, और एक फैक्टर में आएगा 24 प्लस 6 30 डिग्री, उसका वैल्यू तो सीधा सीधा जानते ही हम लोग। तो दिस इंटू साइन 24 प्लस 6 24 डिग्री प्लस 6 डिग्री, और इस तरह से ये साइन कितना हो गया 18 डिग्री, और इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1 होता है, और साइन 18 क्या होता है, रूट 5 माइनस 1 बाई 4, और ये हाफ होता है ना, व्हाट बोलिए सर, साइन 30 डिग्री हाफ, और इस तरह से रूट 5 माइनस 1 बाई 4 इंटू 2 8, सही है। अब सवाल है कि ये आइडेंटिटी अगर नहीं भी हम यूज करते हैं, जैसे मैं पहले अप्रोच से बता रहा था, तो इसे आप यू भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 24 डिग्री, तो ये 1 माइनस कॉस 48 डिग्री का हाफ माइनस सिमिलरली ये 1 माइनस कॉस 12 डिग्री का हाफ, सही है। ये हाफ अगर बाहर कर लें तो माइनस कॉस 48, चूंकि माइनस और प्लस हो तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस कॉस 12 डिग्री और माइनस कॉस क्या 48 डिग्री, और अब इसमें कॉस ही माइनस कॉस ही का फॉर्मूला लगा दें तो ये 2 टाइम्स साइन, एक बार दोनों के सम का हाफ, दोनों के सम का हाफ कितना हो जाएगा 60/2 30 डिग्री, 48 प्लस 12 60 का हाफ इंटू साइन टी माइनस सी बाई टू, 48 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 36, उसका हाफ 80 डिग्री, सेम ही चीज आया ना, ये टू टू कैंसिल हो गया, साइन 30 साइन 80 जो यहां आया था। तो हम ये कह रहे हैं कि ओवरऑल हमारा इसमें प्रयास क्या है, तो प्रयास ये हमारा है कि इस एंगल को एक वेल नोन ऐसा एंगल में हम ब्रेक कर सकें जिसका कि वैल्यू हमें पता है, और अभी अभी हमने 18, 36, 54 इस टाइप का एंगल को सीखा है, यानी 18 के मल्टीपल का सीखा है, तो इसे 18 के मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक किए और बाकी इसको सिंप्लीफाई किए, और जो प्रूव करना है अगर क्वेश्चन सही है तो आएगा, आया। फिर इस तरह से सेकेंड, अब सेकेंड में समझ सकते हैं ये डिग्री में है, तो चलिए पहले तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, आप एक अंदाज कीजिए ये क्या एंगल होगा, तो समझ सकते हैं पाई बाई 15 12 होगा, और 12 का 4 टाइम्स 48, ये 48 डिग्री है डिग्री में, और ये साइन स्क्वायर पाई बाई 15 मतलब 12, ये 48 डिग्री और ये 12 डिग्री, तो 2 में वी हैव कॉस स्क्वायर 4 पाई बाई 15 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 15, आप समझ सकते हैं दिस इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला भी आइडेंटिकली किसके इक्वल होता है, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी का, है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी मतलब 4 पाई बाई 15 माइनस पाई बाई 15 और इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब 4 पाई बाई 15 प्लस पाई बाई 15, और इस तरह से कॉस 4 पाई में पाई जाएगा 3 ना, 3 से 5 कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 5, मैंने कैलकुलेशन इसको अपने हिसाब से ऐसे समझना करें, इंटू कॉस ये 4 प्लस 1 5, 5 से कैंसिल होगा पाई बाई 3, अगेन कॉस पाई बाई 3 हाफ, और कॉस पाई बाई 5 अभी देखे थे कॉस पाई बाई 5, पाई बाई 5 मीन्स क्या 36 डिग्री, और कॉस 36 डिग्री कॉस पाई बाई 10 एक्चुअली 18 डिग्री होगा ना, इसका 2 टाइम्स है ना, तो कॉस 36 डिग्री होगा ना, कॉस 36 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट 5 प्लस 1, देखिए इसलिए साइड में लिख दिए कॉस 36 रूट 5 प्लस 1 बाई 4 और इंटू हाफ, और अगर ये पाई बाई 5 में दिक्कत हो ना तो मैं बार बार कह रहा हूं इसे क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, कहीं परेशानी होगी तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, मैं भी करता हूं ऐसे ही जैसे समझ में हमें आए, इस तरह से फिर ये क्या हो गया रूट 5 प्लस 1 न्यूमरेटर ये हो गया नीचे 8 हो गया। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो हम सोच रहे हैं क्वेश्चन में कि अप्लाई कैसे कर रहे हैं बातों को, वो महत्वपूर्ण बात है। चलिए फिर और क्वेश्चन लेते हैं,
sin pi by 5 sin 2 pi by 5 sin 3 pi by 5 sin 4 pi by 5 equals 5 by 16. मे बी यहां 5 बाई 16 को थोड़ा करेक्ट करना पड़े, कुछ हो रहा है, देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसको प्रोसीड कैसे करेंगे. तो इसका भी LHS लेकर स्टार्ट करें. तो या तो एंगल को हम पहले कन्वर्ट कर लें उसमें, या डायरेक्ट इसे सोचें. अभी हमने देखा था पाई बाई 5 मीन्स क्या, पाई बाई 10 का ट्वाइस मतलब 36 डिग्री. तो फिर ये 36 का ट्वाइस हो गया 72 डिग्री, ये 36 का थ्राइस हो गया, 36 का थ्राइस 108 डिग्री, और ये 4 टाइम्स हो गया 36 इंटू 2 72 और उसका ट्वाइस 144 डिग्री हो गया, है ना. तो पाई भी छोड़ सकते हैं पाई के टर्म में. तो पहली बात तो ये साइन पाई बाई 5 है जो 36 है, सीधा सीधा वैल्यू उसका पता है. तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि थोड़ा सा और सिंपल कर लें इसको. 4 पाई बाई 5 है, इसको पाई माइनस पाई बाई 5 कर सकते हैं ना. 4 पाई को 5 पाई माइनस पाई अलग अलग करेंगे, ये काम पहले भी करते रहे हैं. इसे हम 5 पाई माइनस 2 पाई कर सकते हैं. ये साइन पाई बाई 5 और ये साइन 2 पाई बाई 5, और इसे हम लिख रहे हैं साइन, देखेंगे इसे हम लिख रहे हैं पाई माइनस 2 माइनस 2 पाई बाई 5. समझ सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे 5 पाई माइनस 2 पाई 3 पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 5. ये 5 पाई माइनस पाई 4 पाई रह जाएगा. ऐसा इसलिए कि ये चारों में वैल्यू नहीं पुट करके, या इसको फिर से रिड्यूस करते, उसमें डिग्री में भी आप वही करते ना, 72 है या 108 है, तो 108 को भी क्या करते हैं हम, 108 को 90 डिग्री प्लस 18 कहते ना, तो पाई में ही कर लीजिए. आप समझिए साइन पाई माइनस थीटा क्या, साइन थीटा होगा, मतलब ये साइन 2 पाई बाई 5 हो जाएगा, और ये साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा मतलब साइन पाई बाई 5 हो जाएगा. ये साइन 2 पाई बाई 5 और ये साइन पाई बाई 5. तो ये चार टर्म को एक तरह से हम लोग रिड्यूस कर दिए दो टर्म में ही. साइन पाई बाई 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 5 और दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिए, क्योंकि ये दोनों फैक्टर को भी हमने इसी दोनों के रूप में रिड्यूस कर लिया था. और अब साइन पाई बाई 5 का मतलब क्या हो गया, अभी समझे 36 डिग्री, और साइन 2 पाई बाई 5 का मतलब क्या हो गया, तो 36 का 2 टाइम्स 72 डिग्री, और साइन 72 डिग्री को क्या कहेंगे, कॉस 80 डिग्री. तो चलिए डिग्री में इसको लिख देते हैं वैल्यू, साइन 36 डिग्री इंटू इसको हम साइन 72 डिग्री कहेंगे, जो कि साइन 36 डिग्री इंटू इसे क्या कहेंगे, साइन 18 डिग्री, स्क्वायर तो होगा ही. और अब आप समझ सकते हैं कि जस्ट साइन 36 और साइन 18, साइन 36 सॉरी ये कॉस हो जाएगा ना, कॉस 18 डिग्री. तो साइन 36 डिग्री और कॉस 18 डिग्री ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो दिस विल बी क्या, साइन 36 डिग्री देख रहे हैं, रूट 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4 इंटू कॉस 18 क्या होता है, तो जस्ट इसमें प्लस सिर्फ बीच में हो जाता है, 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4 और ये सारे का होल स्क्वायर. समझ सकते हैं, नीचे 16 और यहां इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म का हुआ ना, तो इसे हम रूट के अंदर क्या कहेंगे, रूट के अंदर 100 और माइनस इसका स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 इंटू 4 20 और ये टोटल का क्या स्क्वायर, सही है ना. और दिस इक्वल्स 100 में 20 सब्ट्रैक्ट होगा कितना, 80, तो 80 बाई 80 का स्क्वायर रूट बाई 16 इसका स्क्वायर, मतलब इसके बाद कैलकुलेशन है ना, इसको हम जैसे भी कर लें
और इस तरह से ये फाइनली क्या हुआ, 80 का स्क्वायर, रूट 80 का स्क्वायर 80 हो गया और ये 16 × 16 हो गया। समझ सकते हैं, ये 16 से 80 कैंसिल होगा, ऊपर एक 5 और नीचे 16 रह जाएगा, एक ही 16 में कैंसिल करेगा। इस कैलकुलेशन को आप यही ऑपरेट कर दे सकते हैं, इसका भी रूट खत्म कर लिए, इसका भी रूट खत्म कर लिए, इसको बेकार ढो रहे हैं, डायरेक्टली 80/16 × 60 वही कर सकते हैं ना। तो इसमें बल्कि कुछ ज्यादा ही हम उलझा कर दिए, आप समझ सकते हैं मेन काम यहाँ ये वेरी गुड करना, कैलकुलेशन अपने हिसाब से इसको रखें। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये देख रहे हैं प्रूव करना है, दिस इक्वल्स 4 tan 9° -tan 27° -tan 63° +tan 81°। सोच सकते हैं ये 927 तो 18 की हेल्प से 9 तो निकाल सकते हैं, बट ये थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं, आप निकालेंगे तो समय है, टाइम 9 मतलब टेन 18 निकालेंगे कैसे, साइन 18/cos 18, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा टेन 9 निकालेगा अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, वो भी तो टेन 9 निकलेगा एक टर्म, तो इसको एक एक टर्म करके निकालें हम, अब 9 निकलेगा तो 3x का फॉर्मूला लगाएंगे तो 27 भी निकलेगा, बट फिर 63, 81, तो 63 का तो हम मान लीजिए कर सकते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो 27 के हेल्प से 63 निकाल सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है ना, और 81 9 का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम इस तरह से नहीं सोचें कि 9° का वैल्यू निकालें, इसको कुछ इस तरह से रिड्यूस करें कि हमारा ये घुरा फिरा के 18 और 54 और जो भी पढ़े 36 इस रूप में जाएगी। तो इसके लिए आप देखेंगे 9 और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसको अगर हम एक साथ कर लें 10 9° और 10 81° को क्या कह सकते हैं, इसको हम cot ऑफ 9° कह सकते हैं ना, समझ रहे बात को, 10 9° और इसे cot 81°, चूंकि cot 90 - 9 लिख सकते हैं इसको, 10 90° - 9 और 10 90° - 9 कितना हो जाएगा cot 9। सिमिलरली ये दोनों में माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का, तो 10 27° प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 27°, जस्ट इसी तरीके से जैसे ये दोनों का हमने पेयर बनाया था, ये दोनों माइनस था माइनस बाहर कर लिए। तो इसमें ये समझना और ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये कसके पानी हमारा दिमाग सोच रहा है कि ये साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन होगा, नीचे साइन एक्स कॉस एक्स होगा, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा जो कि 1 हो जाएगा, और इस तरह से ये 1 बाई यहां पर क्या होगा साइन 9° × cos 9°। सिमिलरली माइनस 1 बाई साइन 27° × cos 27°। अब समझ सकते हैं ये 9 का मल्टीपल 2 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 है भी हमारे निगाह में कि वो सीधा सीधा एंगल है, और ये 54 हो जाएगा, 54 भी सही है, 36 के हेल्प से निकल जाएगा। तो इस तरह से इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बाई साइन 18 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा, सॉरी 2 बाई और ये हो जाएगा साइन ऑफ 27 का 2 टाइम्स यानी 54°। 54 को भी रिड्यूस कर लेंगे किसमें, कॉस में मतलब 36 में, तो ये 2 बाई साइन 18° माइनस 2 बाई साइन 54 को हम कितना कहेंगे कॉस, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 36 तो cos 36° वैल्यू पुट कर देंगे, आप समझ सकते हैं 2 बाई साइन 18° है तो 2 × sin 18 देख रहे हैं उसका रेसिप्रोकल करेंगे कितना हो जाएगा 2 बाई √5 - 1 और माइनस 2 × cos 36 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 4। अरे ये 2 शुरू से यही लिखे हुए 4, चलिए वैल्यू वर्ड सही ले रहे थे 4 2 × यहां पर क्या हो जाएगा फिर ऊपर √4 और नीचे √5 + 1 मतलब cos 36 का जस्ट रेसिप्रोकल है ना, ये यहां पर 2 लिखा गया था गलती से, बट जहां भी प्रॉब्लम हम लोग यूज किए थे 4 ही लिए थे।
इस तरह से ये हो गया। अब सिंप्लीफाई करना सिंपली है, ये कितना हो गया 8 by √5 - 1 - 8 by √5 + 1। चलिए 8 कॉमन लेते हैं, नीचे क्या हो जाएगा √5 - 1 × √5 + 1, मतलब अब सिंप्लीफिकेशन है। और यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा √5 + 1 - इसका निगेटिव −√5, और ये माइनस प्लस वन, √5 √5 कैंसिल हुआ, ये 2 हो गया, मतलब न्यूमेरेटर में 8 × 2, और डिनोमिनेटर की बात करें तो √5 - 1 √5 + 1, ये माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म का है, √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, मतलब 5 - 1 मतलब कितना 4 है ना, ये कैंसिल हुआ, 2 × 2 कितना हुआ 4। ये कैलकुलेशन हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, यही कोई 2 कॉमन ले लिया है ना, सिंप्लीफाई किया, ये कोई मुद्दा नहीं है। बस मुद्दा है कि 18 और 54, यानी ये जो वेल नोन वेल डिफाइंड एंगल हमारा है, डिफाइंड नहीं कहिए वेल नोन कहिए, जिस पर कि हम वैल्यू समझे हैं, उस फॉर्म में से रिड्यूस करना है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं कम से कम, आज का लास्ट क्वेश्चन में देख रहा हूं इसका, देखिए इसमें जो प्रूफ करना है cos π/15, cos 2π/15, cos 3π/15, मतलब लगातार ये π/15 का मल्टीपल है ना, π/15 का 2 times 3 times 4 times 5 times 6 times 7 times, ये सारे मल्टीपल का टोटल प्रोडक्ट करेंगे तो ये 1/128 होगा, ऐसा शो करना है। आप समझ सकते हैं π/15 ये सीधा सीधा एंगल तो नहीं, पहले से देख रहे हैं ये 12 डिग्री आएगा, ये 12/2 times 24 आएगा, बट इसकी बात करें ये 3 से कैंसिल होगा, π/5 होगा ना, π/5 36 डिग्री 36 पर वैल्यू में पता होता है, cos 4π/15 ये भी फिर हमारे मतलब सीधा सीधा रेंज में नहीं है, बट ये फिर 5 से कैंसिल करेंगे ये 15 को, तो 3π/3 cos π/3 सीधा सीधा एंगल होता है। सेम वे में 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2π/5 कितना जाएगा 5 2π/5, मतलब 36 का 2 टाइम्स मतलब 72 डिग्री, ये भी पता है, और cos 7π/5 ये फिर नहीं पता है, सीधा सीधा एंगल नहीं है ना, 12 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 84 डिग्री, ये हमें सीधा नहीं पता है। तो पहले इसमें जो कुछ सिंपल है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड रिजल्ट है आफ्टर नोइंग ऑल दिस, उसे हम सेपरेट कर लेंगे, इसमें कौन कौन आएगा, तो एक हो गया cos 3π/15, चलिए पहले सीधा सीधा जैसे वैसे ही लिख लेते हैं, इनटू cos 5π/15 सही है, और इनटू cos 6π/15, ये तीनों का टेंशन हमें नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है, रिमेनिंग जो आ गया उसका स्टडी अप करें, रिमेनिंग क्या है cos π/15 × cos 2π/15 ×, ये आ चुका है इधर cos 4π/15, ये भी लिखना है cos 4π/15, ये आ चुका है, ये भी आ चुका है, अब एक बचा क्या cos 7π/15, इसे हम एक लॉट में रखें, समझ सकते हैं, इधर तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा वैल्यू रखना है, जो भी आएगा समथिंग वो कैलकुलेशन होगा। थोड़ा सा ये जो नेक्स्ट जो हमने रखा है इसमें 4 फैक्टर को, उसके बारे में सोचिए, इसका स्टडी अगर करें हम तो, आज जो वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था आपको, एक खास पैटर्न cos α cos 2α cos 4α cos 8α, इस पैटर्न में ये है, लेकिन एक जगह पर यहां देख रहे हैं cos 7π/15, ये अगर 8π/15 होता तब ये सीधा फॉर्म था हमारा, है ना, π/15 का ट्वाइस, ये 4 times, ये 8 times होता तो उस फॉर्म में इसको रिड्यूस कर सकते थे हम, बट ये cos 7π/15 है, इसको फिर सोचिए क्या 8π/15 के फॉर्म में किया जा सकता है क्या, तो 7 और 8 का सम 15 होता है ना, हमारा दिमाग सोचेगा इसको आराम से, ये 15π - 8π न्यूमरेटर में इसको प्लेस कर सकते हैं, 15π - 8π, और 15π में 15 से डिवाइड करेंगे पाई आएगा, आप -8π/15 करेंगे, और cos π - θ क्या होता है -cos θ, इन बातों को समझते हुए चलिए इसको पहले हम यहां पर लिख लेते हैं cos π/5, ये कितना हो जाएगा cos π/3
और ये cos 2 पाई बाई 5, ये तो कोई लफड़ा नहीं, किसी स्टेज में वैल्यू रख के इसका निकालेंगे। और इसे आप ध्यान देंगे, इसको हम अरेंज कर रहे हैं माइनस cos पाई बाई 15 इंटू cos 2 पाई बाई 15 इंटू cos 4 पाई बाई 15। यहां माइनस क्योंकि क्लियर है ना, इसको आगे हम लिखने वाले हैं माइनस cos ऑफ 8 पाई बाई 15। चलिए इसका लॉजिक यहां साइड में थोड़ा समझा देते हैं कि एक्चुअली cos 7 पाई बाई 15 को हमने ब्रेक किया cos 15 पाई माइनस 8 पाई बाई 15 जो कि cos पाई माइनस 8 पाई बाई 15 हुआ है, और इसे माइनस cos 8 पाई बाई 15 कहेंगे, है ना। यही 8 पाई बाई 15 cos के साथ रखा, माइनस को इधर कर दिया इन द बिगिनिंग, और अब ये उस फॉर्म में आ गया cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा cos 8 अल्फा। याद है आपको यहां पर क्या हमने समझा था, 1 2 3 4 फैक्टर्स है, तो नीचे 1 बाई 2 की पावर 4 और नीचे साइन ऑफ पाई बाई 15 और ऊपर साइन ऑफ इस एंगल का 2 टाइम्स, माइनस साइन है तो माइनस साइन रहेगा। अब एक साथ यहां पर वैल्यू भी हम लोग करते चलते हैं, है ना, हम लोग LHS लेकर चल रहे हैं, LHS इक्वल्स, अब दिस इक्वल्स cos पाई बाई 5, cos पाई बाई 5 मींस क्या, cos 36 डिग्री, देख सकते हैं cos 36 डिग्री रूट 5 प्लस 1 बाई 4 है ना, इंटू cos पाई बाई 3, ये तो 1 होता ही है, और इंटू इसकी बात करें cos 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 का मतलब क्या, 36 का दूना 72, और cos 72 मतलब क्या, माइनस सॉरी cos 72 मतलब sin 80 डिग्री, cos 36 का 2 टाइम्स 72 डिग्री होगा ना, और इसे आप क्या कहेंगे, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री कहेंगे ना, और इस तरह से कितना हो जाएगा, sin ऑफ 80 डिग्री cos 90 माइनस थीटा। तो cos 2 पाई बाई 5 मतलब 36 का ट्वाइस 72 डिग्री, जिसको कि हम कहेंगे sin ऑफ 80 डिग्री, और sin ऑफ 80 डिग्री कितना हो जाएगा, रूट 5 माइनस 1 बाई 4। चलिए अभी इसको ऐसे रखते हैं, अब इधर की बात करें, ये कैसे हो, क्लियर है ना, देख रहे ना, इसमें मतलब क्या कहूं मैं, पहले भी इस काम को समझा चुका हूं मैं, उससे 72 है उसको 18 में ब्रेक करेंगे, तो जस्ट इसको जैसे भी आप कर लें तो ये साइन 18 हो गया। अब यहां पर है कि आप साथ हैं तो साइन 18 का वैल्यू क्या लें, लंबा लंबा सेंटेंस लिखता रहा पड़ा है, तो क्यों ना इसे साइन 18 का वैल्यू ही पुट कर लेते हैं ना, डायरेक्ट आप समझिए cos 2 पाई बाई 5 मतलब cos 72 इक्वल साइन 18, साइन 18 कितना, रूट 5 माइनस 1 बाई 4, ये तीनों का वैल्यू हो गया, इससे जितना स्टेप में जैसे कर ले आप, ये माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही, और इसका स्ट्रक्चर भी हमने समझा था ना कि ये क्या होगा, 1 बाई 2 की पावर 4 साइन ऑफ पाई बाई 15 और इंटू यहां साइन ऑफ जो लास्ट एंगल है उसका ट्वाइस 16 पाई बाई 15। इसमें डायरेक्ट हमने सीएल का यूज कर लिया, फिर समय खराब होगा ना, ये साइन पाई बाई 15 से गुना करेंगे, फिर एक एक टर्म उसका करेंगे, नीचे एक एक दो प्रोड्यूस करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छा खासा डिस्कस हुआ है, पिछले वीडियो भी इस वैरायटी का लिया है, तो हम डायरेक्ट रियल का यूज कर लिए, दिस इक्वल्स ये कैसे हुआ, तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये समझ में आएगा। और इस तरह से ये क्या हो गया, रूट 5 प्लस 1 रूट 5 माइनस 1, ऊपर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 बाई 4 इंटू 2 इंटू 4, और इसकी बात करें माइनस, अब ये साइन 16 पाई बाई 15, इसको फिर हम 15 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, मतलब न्यूमेरेटर में साइन ऑफ पाई प्लस पाई प्लस पाई बाई 15 लिखा जा सकता है बाई 2 की पावर 4 और साइन ऑफ पाई बाई 15। आप समझ सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट माइनस साइन ऑफ पाई बाई 15 होगा, तो माइनस साइन पाई बाई 15 ये हुआ, साइन पाई बाई 15 से कैंसिल हुआ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अल्टीमेटली ये 2 की पावर क्या हुआ 4, और इस तरह से ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये 1 बाई 8 इंटू इसको क्या कहेंगे 1 बाई 2 की पावर 4। ये कैसे हुआ क्लियर है, चलिए एक लाइन और लिखते हैं, इसको एक्चुअली हम ब्रेक कर रहे हैं माइनस ऑफ माइनस साइन पाई
बाई 15, न्यूमेरेटर की स्थिति हुई है, और नीचे 2 की पावर 4 साइन ऑफ पाई बाई 15, क्लियर है ना, यही वहां पर समझे थे हम लोग, ये कैंसिल हुआ। अगले स्टेप में जो हमने एक स्टेप पहले इसको डायरेक्ट हम रिजल्ट लिखना चाह रहे थे तो इसको एक स्टेप बढ़ा दिए, तो निगेटिव और साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर है, माइनस माइनस कैंसिल, ये खत्म हो गया, मतलब ये 1/8 × 1/2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16, 1/8 × 1/16 मतलब 1/16 × 8 128, मतलब इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर बस ये मैं कह रहा हूं, ये कर रहा हूं 7π को इस फॉर्म में करना, मतलब इसका स्ट्रक्चर किस पैटर्न से चल रहा है इसको समझना, और फिर इसके अकॉर्डिंगली इधर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सीधा वैल्यू रखेंगे उसका पैटर्न समझ लेंगे, इस तरह से होगा। तो एक इसमें हम 18 और इसका मल्टीपल के वैल्यू का जो वैल्यू हमने अभी समझा है वो वैल्यू पुट कर दिए और इधर इसका रिजल्ट लिख दिए। इसमें थोड़ा सा हम शॉर्टकट किए हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन था बार बार इसी टाइप की बात को डिस्कस ज्यादा ना करें। तो इस तरह से मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल पे कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखे, शायद ये दूसरा वीडियो था या तीसरा था, जो भी था ये लास्ट वीडियो है प्रॉब्लम का। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा उसका रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, थैंक्स।